हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। सो गाइस, इस बार मेरा DSLR थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और इसको मैं जब भी ऑन करता हूँ ये एरर मुझे शो करता है। मैं आपको दिखाता हूँ एरर ऑन करके। ये डिस्प्ले है, इसको मैं जब भी ऑन करता हूँ ये एरर शो करता है, ERR। तो मैंने यूट्यूब से सर्च किया है और मुझे कुछ सोल्यूशन मिला है जो कि मैं ट्राई करने वाला हूँ। इसको मैंने काफ़ी कैमरे को इसको रीसेट किया, तब भी सेम इशू है। और देखते हैं, अभी मैं इसको लेंस को निकालूंगा अभी, और लेंस को निकाल के थोड़ा इसको क्लीन करता हूँ जो कि यूट्यूब पे मैंने देखा था तो मुझे सोल्यूशन मिला था। ये जो आप डॉट डॉट देख रहे हो ये बेसिकली क्लीन करना होता है, लेंस साइड में और कैमरे साइड पे भी क्लीन करना होता है बेसिकली। ये देख रहे हो आप, इसे क्लीन करना होता है। तो इसको अभी कॉटन से क्लीन करते हैं। तो ये कॉटन से मैं इसको क्लीन करने वाला हूँ, पहले लेंस क्लीन करूँगा। ये जो जितने भी डॉट डॉट्स कनेक्टर हैं इनको क्लीन करना है। बहुत सही तरीके से क्लीन करना, ज़्यादा हार्ड प्रेस नहीं करना है अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी। सही तरीके से क्लीन करना है इसको। एक्चुअली मेरे पास दो लेंस है, ये तो छोटे वाला लेंस है और एक बड़ा लेंस है। कुछ कॉटन्स के रुई भी अंदर नहीं जाने चाहिए अदरवाइज शटर में प्रॉब्लम आ जाएगी कैमरे के। तो बहुत केयरफुली तरीके से इसको क्लीन करना होगा। अभी कैमरे को भी करते हैं, बहुत ही केयरफुली तरीके से करना होता है अदरवाइज प्रॉब्लम ना हो जाए इसमें। ज़्यादा हम लोग हार्ड प्रेस करके भी इसको क्लीन नहीं कर सकते, बट क्लीन क्या करना है, इसमें कोई डस्ट तो है नहीं। बट यूट्यूब पे देखा तो यही सोल्यूशन मिला मुझे, इसलिए मैं इसको ट्राई कर रहा हूँ। आई होप कैमरा सही हो जाए मेरा। कैमरे को क्लीन कर दिया है, बैटरी निकाल के इसको एक बार ट्राई करूँगा। ये थोड़ा सा और देख लेता हूँ। ओके, अभी मैं लेंस लगाने वाला हूँ इसमें। ये एक्चुअली प्रॉब्लम इसलिए आई, मैंने बैटरी को लगा हुआ छोड़ दिया था और इसको 8 महीने कंटिन्यूसली ऐसे ही छोड़ दिया था। इसके बाद मैंने ऑन किया तो मुझे ये प्रॉब्लम आई। तो गाइस, एक सबक ये मिला, बैटरी लगा के कभी नहीं छोड़ना चाहिए कोई भी डिवाइस में, तो अदरवाइज वो प्रॉब्लम हो जाएगी, या उसको यूज़ करते रहो। ये बैटरी निकाल के आप उसको रख दो। शिट, अभी भी सेम एरर आ रहा है। लगता है मुझे इसे सर्विस सेंटर पे लेके जाना पड़ेगा। तो गाइस, अभी ये सेम प्रॉब्लम आ रही है, अभी इसको सर्विस सेंटर लेके जाऊंगा। फिर कुछ दिन बाद मैं आपको एक और वीडियो अपलोड करता हूँ, उन्होंने क्या किया, कितने पैसे लगे, कैसे प्रॉब्लम को फिक्स किया, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।